की बारे में फिरोदिया फातिमा ने। यहाँ पे ना रैयान के लिए जा रही है लीची। मतलब कितना अच्छा लग रहा है कि ऐसे करके हाथ बढ़ाओ और यूं करके तोड़ो लीची और छीलो और खा जाओ। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वाले ब्लॉग के अंदर हमारे देख लिया होगा कि हम लोग है ना बाग में गए हुए थे छद्दू भाई के, और बाग में जाके ना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़े करे, बहुत सारे आम खा के, बहुत सारी लीची खा के। जिसने हमारा पुराना वाला ब्लॉग नहीं देखा है ना, वो फटाफट से ना पहले उस वाले ब्लॉग को देखें जाके, और उसके बाद ना इस वाले ब्लॉग को देखें, जब भी मज़ा आएगा आपको ये दोनों ब्लॉग देखने में। तो गाइस, इस वाले ब्लॉग के अंदर आपके सामने हाजिर हैं हम बाग की थोड़ी सी मस्ती लेके। बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा मज़ा करा। मतलब जो हमारा मकसद था ना यहाँ पर आने का, वो मकसद हमारा पूरा हो गया, ये आपको देख के पता चलेगा इस ब्लॉग के अंदर। तो ये फटाफट से ना वाला ब्लॉग देखते हैं। तो गाइस, बाग के अंदर है ना, यहाँ पे ये देखिए तहरी बन चुकी है सोयाबीन और काली वाली दाल की। आज खाना सब यही खाएंगे, अब्बास भाई ने बनाई है ये। यार हमें पता होता, हम छाछ लेकर आते मार्केट से। यार वो भाई चम्मच तो होगा नहीं है, आजू पत्ते लिया, पत्तों से खा लेते हैं। हाथ से नहीं आता भाई खाना, हम बच्चे हैं अभी तक, हमसे हाथों से गिरता है। मज़ा आ रहा है, बहुत आ रहा है, पानी में हंगामा मचा देना जाके। चलो भाई शुरू करो खाना। तो गाइस, दिल से जो चीज़ चाहो ना वो मिल जाती है। देखो मुझे चम्मच मिल गया यहाँ पे, मैंने दिल से चाहा था कि चम्मच मिल जाए और मुझे मिल गया। चलिए चल गए ना, खाना खा लेते हैं फटाफट। आओ भाई बच्चों, आओ वहाँ बैठे वो, यार शर्मा रहो, मेरे वलीमे का खाना थोड़ी यही है। आ जाओ, चटपटी बना रखी है तुमने। मैं कह रहा हूँ अब्बास भाई, चटपटी बना रखी है तुमने, भाभी को जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी घर में काम करने की, यही बनाया करेंगे अब्बास भाई घर का खाना। तहारी बहुत खाई मगर बाग में तहारी। ओए पानी मत फेंको यार, रुक जा, मेरे हाथ में मोबाइल है, चप्पल जा रही है। मगर बाग में तहारी खाने का जो मजा है ना, गजब है वो, गजब। हुई पानी देखो, बिल्कुल ठंडा ठंडा हो रहा है, ये रहा बिल्कुल ठंडा हो रहा पानी, बर्फ जैसा। आराम से ये देखो कैसी मस्ती हो रही है वहाँ पे। ओ गिर गया, ओ भाई गिर गया वो, वहां ना हो ना ट्यूबवेल के अंदर। तो चप्पल लेके मत कूदना, चप्पल मिलेगी भी नहीं, ढूंढते रहोगे चप्पल, चप्पल गई कहाँ? ओ भाई कितना प्रेशर है यार, खड़े हो गए अंदर। एक मिनट मेरी बात सुन लो, चूचू मत करना कोई भी, क्योंकि पानी गर्म कैसे होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। राहिब क्या कर रहा है ये? राहिब फिसला जा रहा है। ओ भाई कैसा मजा आ रहा है भाई, पैर भी लाल हो गए पानी में पड़े पड़े। मजे मिलते नहीं है, ये मजे मिलते नहीं है। और ये जोहान की हाइट का ही है, इस वजह से जोहान भी मजे मार रहा पूरे। हमारे लिए ना वहां से देखो गजा लिए ना, आम लेकर आ रहा है अभी, आम खाएंगे पानी में डूब के। करो करो करो, चलो भैया हम आ गए। अबे भाई कहाँ दो रो, वहीं दो रो। अरे तुम में से कोई था शूचू तो नहीं कर रहा ना इसके अंदर? कभी शूचू को दुल्हे में आम खिला दो हमें, ला मुझे भी दो, ये वाला मुझे दो, ला ये वाला वाला, ये बहुत बड़ा है यार। गजाली छुरी भी ले कर, छुरी ये क्या था यू? बच्चों ने ना पूरे मजे कर लिए भाई यहाँ पर आके। गर्मी तो निकल गई होगी जिस समय से, गर्मी होती क्या है? गर है? होती क्या है गर्मी? गर्मी होती क्या है बेटा, जब दिल्ली पहुंचोगे ना जब पूछूंगा गर्मी होती क्या है। ये मजे यहीं तक है बस,
कैसा मजा आ रहा है? बढ़िया। नंगू पंगू आ गए, नंगू पंगू। तो गाइस जिस मकसद से हम दिल्ली से यहाँ पर आए थे ना, वो मकसद हमारा पूरा हो गया। हम मजा आ गया भी और मजा आ रहा भी। बच्चे खुश हो गए पूरे। और है ना, आम तो घर पे सब बैठ कर खाते हैं, मगर आम का मजा पानी में बैठ के जो है ना, वो कहीं पर नहीं है यार। पहली बार है ना आपका भाई ना लीची का बाग देखेगा भाई, जो के रामपुर में। हाँ भाई, क्या कह रहे हो? मैं भी पहली बार ही देखूंगा। तुम भी पहली बार? रोहन भी पहली बार देखेगा। बे यार गाइस, कितना मजा है ना सच में यूपी आके। यार देखना जरा, पेड़ देखो आप लोग, मतलब लीची के पेड़ देखो, इधर भी उधर भी उधर भी चारों तरफ। इधर तो आम क्या गया, कच्ची हो गई। नहीं इधर ही इधर ये देखो लीची के कितने पेड़ लगे हुए, दिल भर के खाओ जितनी खानी है। अभी ये ना शद्दू भाई हमें लेकर आया अपने दोस्त के बाग में, और उनके दोस्त ने कह दिया खाओ जितना दिल करे उतनी खाओ। जोहान खाओ लीची जितना दिल करे, खाओ और नहाओ। अब यार गलती कर दी, कपड़े बदल के आ गए तुम दोनों, मैं तो नहीं कपड़ों में आ गया। अगर पता होता यहाँ भी ट्यूबवेल है, यहाँ भी नहाते चलेंगे मामा, फिर से कपड़े बदलने। इन्हीं कपड़ों को फिर गीला कर लो, पानी गंदा थोड़ी है कोई। माशाल्लाह से कितनी बढ़िया लग रही हैं। हमें शद्दू भाई ने खुले सांड की तरह छोड़ दिया। खूब खाओ खूब घूमो आराम से। तो गाइस ये जो बाग है ना, ये शद्दू भाई के दोस्त का है। कितने साल पुराना दोस्त भाई? दसों साल पुराने। चलो जी, लग रहा है बच्चों, ये बताओ पहले। बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। पहले वहाँ पर मजा आया, मजा ही मजा है, मजा ही मजा है यहाँ पर आके, मजा ही मजा। आधी खा के तो देखो यार, तोड़ लो, वो मना थोड़ी करेंगे, वो तो कह रहे हैं खूब खाओ जितना दिल करे। कैसी लगी भाई जायके में, कैसी लगी? बढ़िया, मीठी हो रही है। जोहान आप तो खाओ बेटा, लो। जोहान को हमारे पसंद नहीं है लीची यार, और रैयान को इतनी पसंद है, और रैयान हमारे साथ नहीं आया यार। तो कहते अभी वहाँ पे चलने, वहाँ पे बहुत लाल लाल लटकी हुई है, उधर चल रहे। आओ भाई, आओ बच्चों आओ। मतलब ये जो मजा हम ले रहे हैं ना यहाँ पे लीची का, ये ले रहे हैं हम शद्दू भाई की वजह से। मतलब ऐसा कौन करता है यार, एकदम से उन्होंने यूँ कह दिया कि मतलब आप घूमो आराम से, खाओ पियो मस्त रहो। और उन्होंने आते के साथ ही ना हमारे लिए ट्यूबवेल भी चला दी। खूब नहाओ खूब खाओ। देखना कैसे रस्ता पक रहा है, देखो कैसे रस्ता पक रहा है। ये बस खाते रसगुल्ला खा लियो। चलो अल्लाह हाफिज, मैं तो जा रहा हूँ नहाने। यहाँ पर भी मजे करते हुए भगा दो। जबरदस्त
तो गाइस जैसे मज़े हमने यहाँ पे कर लिए ना रामपुर आके, ऐसे मज़े मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी कोने में मिलने वाले हैं। मतलब लीची के बाग और साथ में आम के बाग और उस पर सोने पे सुहागा, इतनी बड़ी बड़ी ट्यूबवेल हमें नहाने के लिए मिल रही है कि मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा भाई? एक फ़ोटो यहाँ का भी खिंचवा लो उसके लिए, उस सीन के लिए एक फ़ोटो यहाँ का भी खिंचवा लो, काफ़ी है। तो गाइस मैं तो हमेशा से यही बात बोलता हूँ कि भाई ये जो मज़े हैं ना हमें ना आप लोगों की वजह से हैं। अब अगर आप लोग हमारे ब्लॉग ना देखें ना तो यार हमारा दिल ही ना करे ऐसे जगह जगह घूमने का। मतलब कितना अच्छा लग रहा है कि ऐसे करके हाथ बढ़ाओ और यूं करके तोड़ो लीची और छीलो और खा जाओ। मतलब मेरे हाथ भी है ना लीची के कलर के हो गए यहाँ पे पानी में नहा नहा के नहा नहा के। हमने ना ढेर लगा दिया वहाँ पे, खा खा के पूरी टोकरी भर दी छिलकों से और पत्तों से। इतनी लीची खा ली हमने ज़िंदगी में, इतनी लीची है ना कभी नहीं खाई होगी जितनी यहाँ पर खाई है। और माशाल्लाह से आप ना लीची का साइज़ देखो कितने बड़े बड़े साइज़ की है यार, और एक से एक लाल कलर की, जायके में जैसे गुलाब जामुन खा लिया हो या रसगुल्ला खा लिया हो आपने। क्या बनाने जा रही हुई है? आम का वो एक छोटा सा पीस देना। अच्छा तुम्हें लाने का फायदा क्या हुआ यहाँ पे? तुम हमारे एक भी व्लॉग में नहीं आई अभी तक। कह रहा हूँ बहुत खट्टी हो रही है, सुनी नहीं रही भाभी? इतनी खट्टी हो रही है ये, मैं तो नहीं खा रहा। भाभी को खिलाओ, भाभी को पसंद है। मुन्ना खाएगा, मुन्ना खाएगा। देख बगैर आँख जब खाए खानी है, आँख नहीं झपक नहीं चाहिए मुन्ना। वह भाई इसकी आँख नहीं झपक रही भाई मुन्ना की, मेरे तो पूरी आँखें बंद हो गई हैं। पूरी खाई है पूरी। अच्छा जी ना, भाभी भी खाएंगी एक? नहीं, भाभी को दो। भाभी नहीं खाती है। बिना आँख झपकाए खाना है, जब आएगा मजा। फादो तुम खा के दिखाओ, नहीं खाई जा रही ना, बहुत खट्टी हो रही है बहुत ही। हाँ जी तुम भी खा रही हो, आँखें बंद नहीं करना। वाह भाई वाह, इन्हें प्रैक्टिस है भाई, हमसे नहीं खाई जा रही। कौन आ गया? बिल्ली रिजल्ट आ गई। कहाँ है, कहाँ है रिजल्ट? ओए वो आ गई रिजल्ट, वो आ गई। खाना क्या बनना भाई? निहारी मुर्गे की या किसकी? बोंग की। चलो हाँ भाई, बच्चों क्या मजे मारे आज? बोर तो नहीं हो रहे? मजा आ गया? नहीं बहुत मजा। गाइस रात के ना 10:15 बज चुके हैं, अभी बाग में चलना दोबारा, भूत आ गया इस वाले पे। और मैंने ना यहाँ पे 6 बजे अपना ब्लॉग डाला था, अभी 10:15 आया है वो, है ना, पूरे 3-4 घंटे के बाद वो अपलोड हुआ है जाके, घंटों लग गए। तो यहाँ पे बच्चे हमारा ब्लॉग देख रहे हैं। बिल्ली बिल्ली बिचो, तो गाइस यहाँ पे ना अभी रैयान का फोन आया, वीडियो कॉल, आपको व्लॉग में ले रहा हूँ मैं, अब आप हमारे व्लॉग में आओगे। बेटा मैं सुबह आ जाऊँगा, मैं यहाँ से 4:30 निकलूँगा। कितनी बारी का? यहाँ पे बनना आम का सालन और इसमें बन चुकी है नारी। बे भाई एक ही बार में फिरो दिया फातिमा ने, सही बात है। ला मैं बना दूं, क्या खाएगा? नहीं मुझे नहीं भी, मुझे एक बात का जवाब दो। अच्छा मुझे तो एक बात का जवाब दे दो, ये हर घर में नाश्ता छुपा के बुलाते हैं जबकि आना हमारे सामने ही है, मतलब मेहमान के सामने ही है। क्यों? मतलब जब लगाओगे जब नहीं देखेगा हमें? अच्छा ज़्यादा लाए हो इस वजह से छुपा रहे हो। चले तो भैया यहाँ पे ना रैयान के लिए जा रही है लीची, कार्टून में से निकल के थैले में, तो इसके पत्ते नहीं हटा देते छद्दू भाई? अच्छा जी देखो पूरे के पूरे गुच्छे जा रहे हैं रैयान के लिए, रैयान को लीची है ना बहुत पसंद है। तो गाइज 1:25 होने वाले हैं, रेना भी 2 घंटे की नींद ले लेते हैं यहाँ पर लेट के। और बैग वैग सब तैयार हो गए हमारे, एक बैग ये है, एक बैग ये है,
और बाकी सब सामान रेडी है। हाँ जी भाई साहब, तुम तो सो रहे होंगे, हम सुबह निकल जाएंगे यार। उठा दोगे? उठ जाओगे? चलो अब की बार रैयान को लेकर आऊँगा पक्का। क्या हुआ? उठा दो भाई। ओ भाई इतना वजन ले जाओगे तुम उठा के? बैग बनना, दोनों बैग दे दो हमें। जुआन इधर आओ, अपना ये नाड़ा दो, इससे ये वाली पेटी बंधेगी। निकालो जल्दी निकालो, खींच लो इसे पकड़ के। यहाँ पे ये आम भी जा रहे हैं रैयान के लिए। हमने तो बहुत आम खा लिए, दिल भर गया। हम तो रात को 1 बजे भी आम खा कर आए फातिमा बाग में। द नेक्स्ट डे। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 17:27, यानी कि 5:27, और हम लोग निकल चुके हैं अभी रामपुर से। रामपुर वालों अलविदा, मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा। इस 6:15 बज चुके हैं और भाई अभी है ना हम लोग शामली पहुंचे थे। शामली पहुंचते हैं ना मिली बहुत बढ़िया वाली बारिश। आई जगह तो है नहीं, सारे में भीग रहे हैं यार। उधर चलो छप्पर के नीचे, वो छप्पर है ना डला हुआ, वहाँ चलो, वहाँ चलो उधर छप्पर के नीचे। भाई साहब यूपी आओ ना तो हर इंसान मोहब्बत करता है। भाई ने ना खास तौर से स्टूल लगा दिया, कह रहे बैठो भाई इस पर आराम से। बारिश पड़ गई बढ़िया वाली। अबे अच्छा है, सही जा रहे थे, टाइम से पहुंच जाते घर पे। तो हल्की होने के बजाय और तेज़ हो गई राइव है भाई। क्या करें आज, आज रात शामली में ही होटल ले लेंगे। तो गाइज़ हम लोग है ना शामली से निकल के एलम बाईपास आ चुके हैं अभी, और भाई अभी है ना दोबारा से फिर से बारिश शुरू हो गई, तो इससे बढ़िया जगह नहीं दिखी हमें यहाँ पे रुकने की। आ जा राइव, बैग वगैरह यहीं रख दो। देखना मकान बना हुआ है, क्या बना हुआ है यार। ये गाड़ी ये खड़ी रहने थे, चलते हैं यार। मतलब इसको देख के ना रुका नहीं जा रहा, ऐसी लोकेशन पर मकान हो ना, ओए होए देख तो लो आप। अच्छा यहाँ पर ना इन्होंने शावर का कुछ सिस्टम बना रखा है, जहाँ तक मेरा आइडिया है शावर के लिए ये। और यार व्यू देखो आप, इस मकान का व्यू देखो, ओए होए। और ये बराबर में लोन भी छोड़ रखा है इन्होंने, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। आप लोग है ना यकीन करना, इन जूतों से ना मैं परेशान हो गया। मतलब ये वाले जूते ना फातिमा ने रामपुर में भी धोके रख दिए थे, और आज सुबह ही पहने मैंने, और देखो इनकी हालत क्या हो गई। मतलब जब जब मैं ये जूते पहन रहा हूँ ना, जब जब ऊपर वाला ना बारिश करवा रहा खूब जम के, और ये जूते हर दफ़ा ख़राब हो जाते हैं यार। मतलब रिश्तेदारों को अगर बुलाना हो ना, आँख बंद करके कह दो कि भागे चले आओ, रोड पे हमारा मकान है, तो सीधे यहीं रुकेगा रिश्तेदार आगे। मुझे बहुत बढ़िया लगा भाई ये मकान। अंग्रेज़ चले गए मगर अपनी है ना अंग्रेज़ी शराब छोड़ गए यहाँ पे। चलो गाइस 21:03 हो चुके हैं, यानी कि 9:03, और हमें ना अपने एरिया में आ चुके हैं। राइफ साहब यहाँ पे ले रहे हैं अंडे ब्रेड और दूध। चलते हैं फटाफट से घर और करते हैं नाश्ता। बारिश रास्ते में कई जगह मिली जिसकी वजह से हमें ना लेट हो गए, वरना हमें ना तकरीबन यहाँ पे 8 बजे तक पहुँच जाते 5:30 चल के, मगर बारिश की वजह से हमें बहुत रुकना पड़ गया जगह जगह पे। कितनी चमचमाती हुई लेके गए थे बाइक, और हालत देखो बाइक की क्या हो गई, और अपनी हालत भी कुछ ऐसी है देखो। बहुत बारिश थी रास्ते में, बहुत ज़्यादा। तो गाइस 9:30 बज चुके हैं सुबह के, और भाई हमने भी है ना नाई नाई कर लिए, और फातिमा मैडम अभी बना रही हैं यहाँ पे नाश्ता। 9:05 में मतलब मैं घर पे आ गया था, सही बिल्कुल 9:05 पे आया था। और मगर हमारे व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि फातिमा मतलब घर में कैसे है? 8 बजे आए भाई। तुम 8:15 बजे, फातिमा मैडम बैठी थी वहाँ से ट्रेन से, ट्रेन थी सुबह 4 बजे है ना, और उसने 8 बजे ने यहाँ उतार भी दिया, 8:15 बजे ये लोग आ गए। अच्छा मैं तुमसे पहले आ जाता अगर बारिश ना पड़ती, अगर वहाँ पे शामली में ऐसी ज़बरदस्त बारिश थी भाई, मगर मज़ा आ रहा था, इतनी ठंडी ठंडी फुहार सी पड़ रही थी, मज़ा आ गया। तो ठीक है अभी नाश्ता करेंगे यहाँ पे। नाश्ते के अंदर यहाँ पे मुर्गी के अंडे और आटे की ब्रेड, मैदे की ब्रेड। भाभी तो कह रही, भाभी ने तो मतलब चाय और फैन वगैरह दे दिए थे, मगर दिल ही नहीं करता सुबह सुबह हम लोगों को खाने का यार। मुझे भी वही दिया था, लेकिन हाँ एक ही खाया। फातिमा मेरा फेवरेट वाला ब्रेड तल दो बस, मैं ये एक ब्रेड खाऊंगा और उसके बाद मैं सो जाऊंगा, फिर उठेंगे मतलब तकरीबन 2 घंटे बाद, जो मैं से पहले 9:30 है ना, 11:30 तक उठ जाएंगे इंशाल्लाह। जी रानी जी, बाइक
बाइक पे आए डैडी, आप भी आई हो, आप ट्रेन में आई हो, ट्रेन कैसे चल रही थी? बूम है, बूम कर चल रही ट्रेन मेरा बच्चा। तो ठीक है गाइस, बंद करते हैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पर ही। उम्मीद से कि शायद आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अभी आपके भाई का एक सफर और तैयार रखा है यार, आज अपनी थकान उतारनी है, कल सुबह सुबह एक सफर फिर तैयार रखा है, वो पता चलेगा आपको अगले वाले ब्लॉग के अंदर है। अभी तेरे से सो रहा। नहीं भाई, मुझे मेरे अंदर तो पूरी एनर्जी है, मुझे तो एक डेढ़ घंटे की नींद चाहिए बस। और गाइस बहुत बढ़िया, ये काम और होना था, ये हुआ बढ़िया वाला काम। मुझे लग रहा है मुर्गी है ना माइयों में बैठी हुई थी, उसी टाइम उसने अंडे दे दिए, इस वजह से इतने पीले पीले हो रहे हैं, है ना। हाँ ये माइयों के टाइम दिए उसने अंडे। तो गाइस आपने माइयों बैठी हुई मुर्गी के अंडे देख ही लिए होंगे। ठीक है गाइस, बंद करते हैं इस वाले व्लॉग को यहीं पर ही। अभी दीजिए हमें इजाजत, मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग के अंदर फिर से कुछ नया लेके। ओके अल्लाह हाफिज़।